वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हांडी में आलू पालक, एकदम बढ़िया और डिलीशियस एंड न्यू स्टाइल। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आप देख लीजिए। ये है थोड़ी सी पालक और ये मैंने दो टमाटर ले लिया है और ये लिया थोड़ा सा प्याज, एक प्याज है, और ये तीन आलू है और दो तीन हरी मिर्ची है। और स्पाइसेस में मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक और मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और ये खड़ी मिर्ची। और ये सबसे मेन टेस्ट लाने के लिए ये है हमारा पंचफोड़न। पंचफोड़न से आलू पालक का एकदम टेस्ट बिल्कुल ही बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं आलू पालक हांडी में पहली बार न्यू स्टाइल में। तो बनाना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने हांडी को रख लिया है आंच पे और उसमें डालेंगी मैं आधी कड़छी सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने तेल को हांडी में डाल दिया है और मैं एक बार इसको अच्छे से गोल गोल घुमा दूंगी ताकि तेल हांडी के चारों ओर लग जाए। तो तेल अच्छे से तिड़क जाएगा। तो फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो ये दो खड़ी लाल मिर्ची मैं इसके अंदर पहले डाल दूंगी और ये जो है पंचफोड़न, सबसे पहले मैं इस पंचफोड़न को इसके अंदर डालूंगी ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए तेल के अंदर। कुछ इस तरह से देखिए, आज आपको बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है हांडी में आलू पालक का। तो फ्रेंड, आप स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, अच्छे से आवाज सुन रहे हो ना आप इसकी, बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी कटे हुए थोड़े से प्याज। प्याज को डालने के बाद फ्रेंड मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर किस तरह का हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज अच्छे से ऐसे अभी लाल नहीं हुए हैं तो मैं साथ में डाल दूंगी हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट के इसके साथ ही डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आपको हांडी का जो खाना खाना है, जो भी आपको हांडी वाला खाना खाना है फ्रेंड्स, आप एक हांडी अपने घर में ले आइए और आपको इसके लिए गांव में जाना नहीं पड़ेगा। आप घर में ही गांव के टेस्ट वाला खाना घर में बना सकते हो हांडी में। तो फ्रेंड, आप एक हांडी लाइए, इसमें 100 तरह का खाना बनता है तो आपको मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, पहले भी आपने बहुत पसंद किया था हांडी चिकन, पसंद किया था हांडी बिरयानी, पसंद की थी, तो अब मैं हांडी आलू पालक बना रही हूँ आप लोग की डिमांड पे। तो फ्रेंड देखिए, आलू पालक बनाने के लिए मैंने इसके अंदर मिर्ची भी काट दी है और फ्रेंड मैं इसके अंदर डाल दूंगी साथ ही में लहसुन अदरक का एक चम्मच पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पहले ही डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से जायके को मिला दे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने तेल लहसुन अदरक को भी डाल दिया है और ये भी अच्छे से मैं एक बार चला देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, प्याज का कलर कितना अच्छा सा हो गया है, ये देखिए इस तरह से कलर हो गया है। तो अब इसी सिचुएशन में मैंने डाल देने हैं इसके साथ ही ये थोड़े से मसाले। ये देखिए फ्रेंड, मसाले डालने के बाद ये एकदम तेल के अंदर और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। आपको मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये देखिए कलर, आप देख के अंदाज लगा ही रहे होंगे कि वाकई में ये कितना ही बढ़िया बनने वाला है। तो इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये टमाटर है। टमाटर मैंने छोटे छोटे तीन लिए हैं फ्रेंड्स, आपको अगर टमाटर ज्यादा पसंद है तो आप चार भी ले सकते हो, अगर नहीं भी पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ डाल दिया है मैंने 2 घूंट पानी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला भी पक जाए। तो अब एक बार इसको मैं अच्छे से फुल आंच पे चलाऊंगी और एक बार इसको टमाटर में भी तेल छूट जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ही मैं डाल दूंगी अब ये आलू और साथ में डाल दूंगी पालक। तो एक बार हमें आलू डाल के एक बार अच्छे से चलाते हैं इस तरह से। देखिए देखिए क्या कलर आया है। और जब ये बन जाएगा ना तो फ्रेंड्स, आप खाइएगा ना, इतना सौंधी सौंधा खुशबू, इतना सौंधा सौंधा आलू पालक का खुशबू, आपको खाना जहाँ 2 खाना है वहाँ आप 4 खाइएगा।
तो फ्रेंड आप इसको ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मैं साथ में डाल दूंगी इसके आलू पालक, पालक भी साथ में ही डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड जब तक ये सब्जी बन रही है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको भी लाइक कर दीजिए ताकि मैं मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो फ्रेंड देखिए मैंने पालक को भी डाल दिया है, और एक बार इसको अच्छे से चला देते हैं, और इसी के ढक्कन के साथ इसको हम ढक देंगे। और आंच को पहले थोड़ा सा फुल रखना है, उसके बाद हम मीडियम कर लेंगे फुल को, तो 5 मिनट के लिए हम फुल में करेंगे। और इसके बाद मैं इससे इसको ढक रही हूँ, और अब मैंने आंच को रख दिया है एकदम मीडियम। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स इसको हम बीच में अच्छे से एक बार चला देंगे, क्योंकि चलाने के बाद पालक घुट जाती है और घुटने में एकदम बहुत बढ़िया उमदा टेस्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से इसको खोल के चेक करती हूँ, और देखिए कितना ही बढ़िया तेल एकदम सेपरेट हो गया है, और पालक भी एकदम मैश हो गई है। और देखिए आलू पालक हांडी वाला बन के तैयार हो गया, और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। और इसको एकदम रस्सेदार खाना है तो इस तरह रखिए, और आप इसको इस पूड़ी के साथ और चावल के साथ खा सकते हो, वो आप लोग की च्वाइस होती है। फ्रेंड्स आपने आलू पालक किस तरह से बनाया ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर देना, और वीडियो पूरा देखना अगर आपको बनाना है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स, आपको बहुत बढ़िया पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं इसको अब इसी सिचुएशन में बंद कर दूंगी, और मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आलू पालक को लगाऊंगी तड़का, उसके लिए मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, और फ्रेंड मैं इसके अंदर डालूंगी ये मक्खन है, वाइट मक्खन है, और मैंने तेल 1 चम्मच इसलिए डाला था ताकि मक्खन जल ना जाए, इसीलिए मैंने पहले थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो या देसी घी भी डाल सकते हो। तो अब मैंने ये डाल दिया है वाइट मक्खन, अब मैं इसको अच्छे से पहले गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हांडी बटर चिकन, हांडी आलू पालक है तो मैं उसके लिए तड़का स्पेशल लगा रही हूँ। ये है बटर वाइट, और इसमें डाल रही हूँ खड़ी लाल मिर्च। मैं इसको टुकड़ों में काटूंगी इस तरह से, और ये अच्छे से मैं इसको एक बार लाल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कितना ही उमदा तड़का लग रहा है इसका। और मैं अब आंच को पहले कर दूंगी बंद, और बंद करके थोड़ा सा इसको ठंडा करूंगी, क्योंकि एकदम से गर्म है। तो मैं इसके अंदर देगी लाल मिर्च डालूंगी, देगी लाल मिर्च डालने से कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और एकदम से खाने में भी टेस्ट आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए बटर एकदम से ठंडा कर दिया है, और मैं इसके अंदर अब डालूंगी ये देगी लाल मिर्च। तो आपको मैं दिखाती हूँ, देगी लाल मिर्च डालने के बाद इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना ही बढ़िया आ गया है। तो अब मैं हांडी में से आलू पालक को निकालती हूँ एक प्लेट में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, और आप एक बार देखिएगा प्लेट के अंदर आते ही इसकी इतनी अच्छी खुशबू चारों पूरे घर में फैल गई है, और इतनी अच्छी फाइनली ये देखिए ये बन के रेडी भी हो गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, हांडी में आलू पालक बनाने का इतना अच्छा यूनिक तरीका आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ, और लोगों की डिमांड में मैं एक बार फिर से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और मैंने जो तड़का तैयार किया है अब मैं आपको दिखाऊंगी उसको भी इसके ऊपर डाल के। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, अगर हम आलू पालक बनाते हैं तो थोड़ा सा तो बटर चलेगा ना फ्रेंड्स, बटर के बिना टेस्ट क्या आएगा। तो मैंने आपको दिखाया था जो तड़का, तड़के के अंदर मैंने डाल दिया था बटर, बटर के अंदर डाल दिए थे कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने सूखी लाल मिर्च भी डाली थी। तो फ्रेंड्स देखिए इसको डालते ही इतना अच्छा खुशबू आ रही है, और फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए ये देखिए कितना ही बढ़िया, एकदम रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आप ढेरों पैसे लगा के खाइएगा।
तो क्यों ना रेस्टोरेंट का टेस्ट आप घर में ही ले लीजिए। तो फाइनली देखिए फ्रेंड, ये तैयार हो गया। अगर आपको पसंद आया है तो फ्रेंड फिर आपको मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।